मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विराट झा चढ़ा पुलिस के हत्या एवं लूट के कई मामलों में फरार। विराट झा साथी के साथ गिरफ्तार हुआ है। लूटी गई बाइक भी बरामद की गई है। जी हां, इन दिनों दरभंगा के कप्तान एसएसपी अवकाश कुमार काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जहां जनता दरबार और प्रेस वार्ता में भी खुद नज़र आने लग गए हैं। वही आपको बताते चले, विगत कुछ दिनों पहले भी रात के 1 बजे थानों का निरीक्षण करने निकल चुके थे। एसएसपी की सक्रियता का असर पुलिस की टीम पर भी दिखता नजर आ रहा है। पुलिस ने कई आपराधिक मामलों में फरार वांटेड अपराधी विराट झा उर्फ विराज उर्फ अभिनव झा को उसके एक साथी सिद्धू मानू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सिमरी थाना क्षेत्र से लूटी गई अपाची बाइक एवं अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। साथ ही इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा एवं जो जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर यह आयोजन दी है। इस आयोजन में उन्होंने बताया कि एसएसपी अवकाश कुमार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व लहरिया सराय थाना क्षेत्र में हुई हत्या में भी पुलिस को विराट की तलाश थी, पर वह कहीं बाहर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि गत 9 सितंबर को सिमरी थाना क्षेत्र में त्रिवेणीगंज से समस्तीपुर लौट रहे बैंक कर्मी नवीन कुमार को रात के 9 बजे शोभन एक में बाईपास रोड में सवार 3 अपराधियों ने रोककर पिस्टल के बल पर उनसे बाइक, पर्स, मोबाइल एवं बैग आदि लूट लिया था। इस संबंध में सिमरी थाना कांड संख्या 172/22 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था। एसएसपी ने बताया कि मामले के उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ कृष्ण नंदन कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। 12 सितंबर को 4:30 बजे एकमी सोवन बाईपास में जांच के दौरान लक्ष्मण यादव के लाइन होटल के निकट विराट एवं सिद्धू मानू को पकड़ा गया। उनके पास से बाइक, हथियार एवं अन्य सामान बरामद हुई है। एसएसपी ने बताया कि मूल रूप से बिरौल थाना क्षेत्र के साहूपर्री के रहने वाले विराट झा पर विभिन्न थानों में 1.5 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज थे। वहीं उसके साथ लहरिया सराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर निवासी सिद्धू मानू का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। मैं मई माह से लेकर अभी तक कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं हत्या की और लूट की, जिसमें एक कुख्यात अपराध कर्मी विराट झा का नाम अभियुक्त के रूप में हम लोग के अनुसंधान में आया था और उसकी गिरफ्तारी एक चैलेंज बनी हुई थी हम लोगों के लिए। ये राज्य छोड़कर कुछ महीनों से बाहर था, हमारी टीम लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। और इधर कुछ दिनों पहले सिमरी थाना क्षेत्र में और हाया घाट में कुछ लूट की घटनाएं हुई, जिसमें अनुसंधान के लिए, उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्षों की और टेक्निकल टीम की एक संयुक्त टीम बनाई गई और इस टीम ने इसमें त्वरित अनुसंधान करते हुए आज विराट झा को, जो विराट झा हमारा कुख्यात क्रिमिनल है आज के डेट में हमारे लिए बेगूसराय में मोस्ट वांटेड कह लीजिए, उसको गिरफ्तार किया। उसके एक साथी सिद्धू ज्ञानू भी अरेस्ट हुआ है और इन लोगों से पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि हाल के दिनों में 2-3 लूट की घटनाएं हुई थी, उसमें उन लोगों का हाथ था और साथ में जो पहले लहरिया सराय में एक मर्डर केस हुआ था उसमें उसका हाथ था। विराट झा पे पहले से और अभी के केसेस मिला के कुल 1.5 दर्जन हत्या और लूट के केसेस, संगीन अपराध दर्ज हैं। अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला, पिछली बार जब विराट झा को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तो जुबिनाइल का एक सर्टिफिकेट उनके द्वारा, घर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके बिहाफ पे उनको जुबिनाइल घोषित करके रिमांड रूम भेजा गया था करेक्शनल होम में, जहाँ से वो फरार हो गया था। उस सर्टिफिकेट की भी जांच करवाई जा रही है स्कूल से। अभी जो हम लोग को प्राइमा फेसी अभी पता चला है, वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि जो डेट ऑफ बर्थ प्रस्तुत किया गया था कोर्ट में वो गलत है, 1 साल का अंतर है उसमें। तो उस पहलू पे भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जो दोषी होंगे उन पे कूट रचना का प्राथमिकी दर्ज करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो दूसरा साथी था उसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। अभी तक एक शराब के केस में नाम सामने आया है उसका, लेकिन विराट झा पे जैसा मैंने बताया कि कुल 17-18 केसेस लूट और हत्या के, संगीन अपराध दर्ज हैं इसमें।
इन लोगों की गिरफ्तारी में जो अभी सिमरी थाना में 10 तारीख को लूट की घटना हुई थी एक बैंक स्टाफ के साथ, तो उसका मोटरसाइकिल, जो उनका आई कार्ड था, पिट्ठू जो बैग था उनका, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। और एक इन लोगों के पास से देसी पिस्टल, देसी कट्टा और गोली, जिंदा गोली बरामद हुई है। एक मोबाइल बरामद हुआ है। कुछ और ऐसे चीज़ें बरामद हुई हैं जो घटना में हमारे लिए अहम साक्ष्य हैं, जो अनुसंधान के क्रम में हम लोग उसको लाएंगे। ताकि आते हुए भी गिरफ्तार किया गया था और कई केसेस में अभी वांटेड था, रिमांड पे लिया जाएगा उन केसेस में सभी में, और कुछ चुनिंदा केसेस में हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल करके जल्दी से जल्दी सजा देंगे।